बीते 7 दिनों से सलखियारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने की जद्दोजहद जारी है। कभी मशीन खराब हो रही है तो कभी कोई और परेशानी आ रही है। अब तक टनल में हॉरिजेंटली यानी सामने से ड्रिल कर मलबा हटाया जा रहा था, लेकिन अब वर्टिकली भी ड्रिलिंग का सहारा लिया जाएगा। मजदूरों को जल्द निकालने के लिए पहाड़ के ऊपर और साइड से ड्रिलिंग की जाएगी। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए 4 जगहों की पहचान की गई है। वहां तक पहुंचने के लिए ट्रैक बनाने का काम BRO को सौंप दिया गया है। वहीं ड्रिलिंग करने के लिए विदेश से भी कुछ विशेषज्ञों को बुलाया गया है ताकि सुरक्षा पूर्वक सभी मजदूरों को टनल से आसानी से बाहर निकाला जा सके। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय से भेजे गए विशेषज्ञों और सलाहकारों की टीम ने शनिवार को टनल के ऊपर पहाड़ का जायजा लिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वो पहाड़ के ऊपर से सीधे नीचे टनल में छेद करने के विकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने पहाड़ पर 4 पॉइंट्स की शिनाख्त कर ली है जहाँ से छेद किया जा सकता है। जो हमें हमें यहाँ पे काम दिया गया है, हमें ऊपर ट्रैक बनाने के लिए काम दिया है जो ट्रैक से ताकि हम ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग कर सकें। तो अभी मेरे पास जो मिशन है मुझे ऊपर से ट्रैक बनाना है। पहाड़ के ऊपर से सीधे नीचे छेद करने के लिए 103 मीटर छेद करना पड़ेगा और ये एक जोखिम भरा काम होगा। बताते चले कि ये सुरंग महत्वाकांक्षी 4 धाम परियोजना का हिस्सा है जो हिंदुओं के तीर्थ स्थल बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पहल का हिस्सा है। ये एक विवादित प्रोजेक्ट है क्योंकि पर्यावरण के विशेषज्ञों का कहना है कि इस परियोजना से अचानक बाढ़ और भूस्खलन की आशंका बढ़ सकती है जो कि पहले से ही इस क्षेत्र में बड़ी समस्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।